नाम कुमैल रजा लखानी है, मैं डॉल्ची प्राइवेट लिमिटेड का स्टाफ हूँ और आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डॉल्चे मॉल एंड सिग्नेचर रेसिडेंसी के नाम से बन रहा है। अब हमारा ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है और बहरिया टाउन का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। पिछले तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने से तकरीबन जो है इसके ऊपर पाइलिंग चल रही है और अभी एक्सकेवेशन स्टार्ट होने वाली। प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बहरिया के सबसे बड़े कमर्शियल हब में वाक़ है, जिसको कहते हैं थीम पार्क कमर्शियल। थ्री साइड कॉर्नर प्लॉट है और इस प्लॉट के ऊपर जो है ये तकरीबन 5 फ्लोर का मॉल बन रहा है। एक साइड इसकी इम्तियाज़ को फेस करती है, एक साइड इसकी बहरिया फार्म हाउस को फेस करती है और एक साइड इसकी जिना एवेन्यू को फेस करती है। टोटल ये 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और 5 फ्लोर का मॉल है। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हमारा जो है फूड कोर्ट है। अब एमिनिटीज़ की बात करें इसके अंदर तो किड्स प्ले एरिया, प्रे एरिया, वाइड पैसेजेस। अच्छा, इसमें जो लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहरिया का जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब है जो कि थीम पार्क कमर्शियल हब कहलाता है, ये बहरिया का सबसे बड़ा कमर्शियल है और इसमें भी जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत प्राइम लोकेशन पर है। बेसिकली इस कमर्शियल हब की जो है 2 एंट्रेंस लगती है मेन जिना एवेन्यू से। एक हमारे तरफ से लगती है जो एडवेंचर लैंड के सामने से आती है और एक आपका बहरिया हॉस्पिटल की तरफ से आती है। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर जो एमिनिटीज़ है इस लेवल का इस वक्त बहरिया में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। कराची में अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट से कंपेयर करना चाहें तो शायद 2 ही प्रोजेक्ट इसकी बनते हैं जो इनडायरेक्टली जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस लेवल पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इस वक्त रेट बड़े अट्रैक्टिव हैं हमारे। फिर प्लस हमारे पास अच्छी लोकेशंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर आगे जाके रेजिडेंशियल आएगा जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा। मॉल के ग्रे स्ट्रक्चर पे हम दिखाएंगे, लॉन्च करेंगे इसको। अब मैं अगर बात करता चलूँ रेट्स की तो लोअर ग्राउंड पे हमारे 26,000 के रेट है पर स्क्वायर फिट। फिर ग्राउंड के आउटर 42,000 है, इनर 40,000 है, फर्स्ट हमारा 22,500 है, सेकेंड 20,500 है और जो थर्ड है उसमें तीन कैटेगरीज़ हैं। फूड आउटलेट है वो है 32,000 के रेट पे और आपका फाइन डाइनिंग है 27,000, 27,000 के रेट पे और जो शॉप्स हैं वो 24,000 के रेट्स पे हैं। थ्री बेसमेंट कार पार्किंग है, ठीक है। लोअर ग्राउंड से जो नीचे है वो 3 बेसमेंट कार पार्किंग है। एक फ्लोर के ऊपर तकरीबन 400+ की पार्किंग है तो देखा जाए तो ये 1200+ कार पार्किंग बनती है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जितना भी मॉल है वो सारा ग्लास एलिवेशन है। प्लस जो इसके क्लस्टर्स हैं वो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किए कि कल को कोई भी ब्रांड आता है उस आसानी से उसको एक्वायर कर लेगा क्योंकि हमारे जो क्लस्टर्स हैं वो मिनिमम 4,000-5,000 स्क्वायर फिट से लेके 7,000 और 8,000 स्क्वायर फिट तक के क्लस्टर्स हैं हमारे पास। इस वक्त हमारे पास अट्रैक्शन ये है कि नॉर्मली जो मॉल्स में होती है वो ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ एंट्रेंस होती है। चूँकि हमारा प्लॉट जो है टिल्ट है तो एक तरफ से हमारा प्लॉट जो है ज़मीन पे ग्राउंड लगता है और दूसरी तरफ जो इम्तियाज़ की साइड पे जो हमारा प्लॉट लगता है वो लोअर ग्राउंड ज़मीन पे लगता है। तो ये बड़ी अट्रैक्शन है कि हमारे लोअर ग्राउंड के ऊपर भी तकरीबन 3 एंट्रेंस है और जो मेन सबसे ज़्यादा फुटफॉल होगा इम्तियाज़ वाला वो जो है लोअर ग्राउंड के ऊपर जो है लग रहा है उसकी एंट्रेंस। तो बड़े अट्रैक्टिव रेट है इस वक्त लोअर ग्राउंड के, ओनली 26,000 से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी मिनिमम अगर मैं शॉप की बात करूं तो मेरे पास 36 लाख की शॉप है और मैक्सिमम जो है फिर ज़ाहिर है वो जैसा बजट हो क्योंकि मेरे पास 5,550 स्क्वायर फिट का भी शोरूम है। तो छोटे बड़े स्मॉल और बड़े छोटे बड़े यूनिट्स मेरे पास मौजूद हैं। आप जिस भी बजट में अगर आपके बजट का कोई मसला है तो मैंने मिनिमम रेंज भी बता दी है और मैक्सिमम भी आप बता चुका हूँ। रेट्स में जो है मैं अगर बात करूं तो हमारे पास शॉप्स के रेट 24,000 के हैं, आउटलेट के रेट जो है 32,000 के हैं और आपका जो फाइन डाइनिंग है वो हमारे पास 27,000 के रेट पे मौजूद है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।